स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसके पहले आप लोग पढ़े थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें आप लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स का पढ़े थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। साथ में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ सम अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स, सम अदर अनस्टेबल पार्टिकल्स मैंने बताया था, जिसका नाम आप लोगों को उसमें क्लियर बताया गया था, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और साथ में मेजॉन बताया गया था। मैंने उसमें उस लेक्चर में एक और चर्चा भी किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली अनस्टेबल होते हैं। पहले तो अनस्टेबल के बारे में जानिए क्या होता है, अनस्टेबल एलिमेंट क्या होते हैं, इसको समझना पहले जरूरी है। क्योंकि जो एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं वही रेडियो एक्टिविटी होते हैं। ये कोई अल्फा बीटा गामा रे है, ये कोई रे ऐसे नहीं होते हैं, किसी भी एलिमेंट से नहीं निकलते हैं। ये अल्फा बीटा गामा रे वही एलिमेंट अपने न्यूक्लियस से, वही एटम अपने न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रे को वहां से प्रोड्यूस कर सकता है, उत्सर्जित कर सकता है, जो अनस्टेबल है। तो अब एक चर्चा होती है कि अनस्टेबल कैसे पहचानेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखना है, क्योंकि एटम जो है वो इन तीनों पार्टिकल से मिलकर बना है। इन तीनों पार्टिकल्स के संख्या पर ही इसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को निर्धारित करते हैं। मान लो कि खास करके इलेक्ट्रॉन के मास तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है और ये न्यूक्लियस से बाहर होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है ये न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, ठीक है, ये ऑर्बिट प्रोसेस नहीं होता है। तो न्यूक्लियर प्रोसेस में न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो अगर प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन का रेशियो जो है अगर 1 रहा तो ये स्टेबल माना जाता है। अगर पी बाय एन का रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गया तब ये अनस्टेबल होगा, टेबल होगा और ये रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा, इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी उत्पन्न हो जाएगा अपने आप, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये हो जाएगा। मतलब कि इसका न्यूक्लियस अल्फा बीटा गामा रे को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है, इस बात को पहले समझ लीजिए। तो ये इतना आसान नहीं है, बहुत ही रेयर केस में पाया जाता, अभी तक 25 एलिमेंट्स ज्ञात है, टोटल 25 एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमें नोन है अभी तक। तो लेकिन अब हम लोग को ये जानना है कि ये खोज कैसे हुआ, क्योंकि बहुत ही रेयरली है और बहुत पहले ये 1896 में सबसे पहले हेनरी बेकरेल ने इसको बताया था। तो 1896 में हेनरी बेकरेल के द्वारा जो बताया था उस समय बहुत ही कम एलिमेंट्स थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसको बताया। तो मैं सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोने हेनरी बेक्यूरल। एंटोने हेनरी बेक्यूरल इन 1896 में रेडियो एक्टिविटी का खोज किया सबसे पहली बार हेनरी बेक्यूरल। ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन छोटा मोटा प्रयोग करते थे, एक इंजीनियर थे, साथ में एक फिजिक्स की बहुत बड़ा ज्ञातावेद थे। तो इनके द्वारा एक मिला, एक ऐसा इनको पदार्थ मिल गया जो थोड़ा सा चमकता था, उसके अंदर रे पार्टिकल्स निकलते थे, इनको ऐसा महसूस हुआ कि ये चमक रहा है, इसके रे पार्टिकल्स इससे निकल रहा है। लेकिन वो देखिए, सबसे पहले बात जान लीजिए कि चमकने वाला पदार्थ क्या होता है। दो तरह के चमकने वाले पदार्थ होते हैं, जो चमकते हैं, मतलब कि आप लोग जनरल वे में देखते होंगे, रोड पे जाते होंगे तो एक स्टिकर वगैरह लगाए जाते हैं, प्रकाश पड़ते हुए चमकता है, उसको हम लोग फ्लोरोसेंट कहते हैं। फ्लोरोसेंट जो होते हैं वो फ्लोरोसेंट पेपर आते हैं या फ्लोरोसेंट
कोई पदार्थ अगर होता है तो उस पर रे पड़ेगा तो तुरंत चमकना शुरू कर देता है। यानी कि दो तरह से पदार्थ होते हैं चमकने वाला, एक होता आपका फ्लोरोसेंट मैटर होता है, फ्लोरोसेंट सबस्टांस लिख सकते हैं, ये एक होता है फ्लोरोसेंट सबस्टांस। ये क्या करता है, लाइट के पड़ने पर उसको ऑब्जर्व करके उसको उससे चमकता है, ठीक है। यानी तब तक चमकेगा तब तक कि उस पर लाइट पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं फ्लोरोसेंट सबस्टांस। मरकरी वगैरह भी इसी से बनते हैं, ले ये ट्यूब है ना, मरकरी ट्यूब जो आता है वो इसी से बनता है, फ्लोरोसेंट सबस्टांस बनता है। और मैं फ्लोरोसेंट सबस्टांस ZnS भी बताया था पिछले, कई भी डिस्कवरी जो हमने बताया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इस सब में मैंने फ्लोरोसेंट सबस्टांस ZnS का प्रयोग किया था। तो एक तो ये होता है, दूसरा एक होता है फॉस्फोरेंट सबस्टांस, फॉस्फोरेसेंट सबस्टांस होते हैं। फॉस्फोरेसेंट सबस्टांस वो होता है जो लाइट को ऑब्जर्व करके और लाइट के ऑब्जर्व करता है, फिर लाइट खत्म हो जाता है, लाइट को हटा देंगे तो उसके बावजूद भी कुछ देर तक चमकता रहता है। जैसे मैं घड़ी का जो डायल होता है, कई बार आपको देखते होंगे घड़ी पहनते होंगे उस तरह का, तो घड़ी के डायल में अंधेरे में भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा टॉर्च वगैरह पड़ता है तो वो कुछ देर तक चमकता है, इवन मैं कहूँ तो अंधेरे में भी दिखाई देता है। तो हमारा रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, ये फॉस्फोरेसेंट सबस्टांस माना गया किसके द्वारा, हेनरी बेकरेल के द्वारा, कि एक ऐसा सबस्टांस है जो कि मैंने पहले तो वो तय करना चाहते थे क्या ये फ्लोरोसेंट है कि फॉस्फोरेसेंट है। तो उनके दिमाग में पहले ये था कि ये तो फ्लोरोसेंट सबस्टांस है कि प्रकाश पड़ रहा है तो चमक रहा है। तो उनके द्वारा एक लिया गया सबस्टांस, उनके द्वारा एक सबस्टांस लिया गया पोटेशियम यूरेनिल, पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट, और इसका फॉर्मूला होता है K2U, यूरेनियम है O2, K2UO2SO4 का होल ट्वाइस, दिस इज अ सबस्टांस ऑफ पोटेशियम यूरेनरी सल्फेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चूंकि इसमें यूरेनियम है और इस पदार्थ को हेनरी बेक्यूरल ने लिया और इस पे प्रयोग करना शुरू, और इस प्रयोग में ये पता करना चाहते थे कि क्या ये फ्लोरोसेंट सल्फेट सबस्टांस है कि फॉस्फोरेसेंट सबस्टांस है। तो इनके दिमाग में था कि ये फ्लोरोसेंट है मतलब कि सूरज के प्रकाश पड़ेगा तो ये चमकेगा, और सूरज के प्रकाश पड़ने से ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। फोटोग्राफिक प्लेट समझ रहे हैं ना, जिसमें एक्सरे करने जाते होंगे तो आपको जो प्लेट मिलता तो वो फोटोग्राफिक प्लेट होता है, या आप कोई अपने मतलब फोटो का निगेटिव देखते होंगे तो निगेटिव जो आता है जिस पेपर पे वो फोटोग्राफी प्लेट होता है। तो फोटोग्राफी प्लेट को ये प्रभावित करता है, ये तब करता है जब ये सूरज के प्रकाश पड़ता है। इसके कई प्रयोग करने के बाद मतलब उनको लगा कि और प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए जब वो सोचे जिस दिन अचानक उस दिन उसके बाद कई दिन तक मतलब थोड़ा सा ये मौसम खराब हो गया, यानी कि सूरज के प्रकाश निकला ही नहीं, सूरज वहां पे निकले ही नहीं, तो इनके द्वारा मतलब रख दिया गया उसको, और उसको जो कि यूरेनियम का एक ओर है, ठीक है, पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट जो है इसके साथ उन्होंने ड्रॉल में रख दिया। इनका ये मानना था कि ये अंधेरे में कोई प्रकाश देता ही नहीं है, ठीक है, जब इनको जरूरत, जब सूरज की प्रकाश निकला और इनको लगा कि हमें अब ड्रॉल से निकाल कर इसे प्रयोग करना चाहिए, जब वो निकालते हैं तो ये देखते हैं कि सारा के सारा जितने भी उनका मतलब फोटोग्राफी प्लेट था वो कंप्लीट रूप से खत्म हो चुका था, यानी उस पे कई रे का चिन्ह आ गया था। तो इनको समझ में आया कि यार ये तो मतलब अंधेरे में भी अपना रे निकाल रहा है। तब इनके द्वारा कई सर्च किए गए और सर्च के बाद बताया गया कि नहीं, ये जो सबस्टांस है ये फ्लोरोसेंट सबस्टांस नहीं है, ये फॉस्फोरेसेंट सबस्टांस है, यानी कि ये लाइट को खुद ही प्रोड्यूस करता है, ये फॉस्फोरेसेंट सबस्टांस है, ठीक है। और तब उनके द्वारा जो रे निकला है ना, रे ऐसे लिखते हैं द
द रेज प्रोड्यूस बाय यूरेनियम सबस्टांस ही नेम्ड एज यूरेनियम रेज। उस सबस्टांस का इन्होंने नाम क्या रखा, यूरेनियम रे नाम रख दिया। ठीक है, तो यहां तक इनका काम खत्म होता है। उस समय सबसे विख्यात साइंटिस्ट थे मैडम क्यूरी, और मैडम क्यूरी के सर्च में उनके एक नए सर्च की जरूरत थी। ठीक है, मतलब वो जो सर्च कर रही थी उनमें उनके दिमाग में था कोई नया सर्च मिले तो ज्यादा बेटर है। तब उनको हेनरी बेक्यूरेल के इस सर्च के बारे में पता चला और तब उन्होंने इस पे सर्च करना शुरू किया। साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है मैडम क्यूरी, और इनके हस्बैंड थे वो भी साथ में थे क्योंकि उनका बहुत बड़ा लैब का था, है ना। तो मैडम क्यूरी एंड हर हस्बैंड पेरी क्यूरी, है ना, हर हस्बैंड पेरे क्यूरी। तो ये दोनों लोग मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरे क्यूरी मिलकर ये 1898 में 1898 में ये खोज किए एक नए एलिमेंट का, दो नए एलिमेंट का खोज किए। मतलब उस समय तक ये एलिमेंट नहीं ज्ञात था। और वो दोनों एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो दोनों एलिमेंट हैं रेडियम एंड पोलोनियम का। रेडियम एंड पोलोनियम का ये लोग खोज कर दिए यहां पे। ठीक है, रेडियम एंड पोलोनियम का ये लोग खोज किए। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टेड कहानी है कि ये अचानक नहीं खोज हो गया। इसमें सबसे पहले तो मैडम क्यूरी इस पे सर्च कर रही थी, ठीक है, ये पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट पर। तो पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट पर जब ये खोज कर रहे थे तो इनके द्वारा जो दिमाग में ये रहता था कि ये फोटोग्राफी प्लेट को कितना प्रभावित करेगा। लेकिन जब कभी भी ये ऐसा करती थी प्रयोग तो फोटोग्राफी प्लेट को जितने सोच में था उससे कई गुना ज्यादा प्रभावित करता था। तो इसके लिए ये मतलब यूरेनियम का एक बहुत ही और ज्यादा इफेक्टिव, है ना, और ज्यादा इफेक्टिव ओर लिए, और उस ओर का नाम है ओर ऑफ यूरेनियम पिच ब्लेंड। और पिच ब्लेंड का फॉर्मूला होता है U3O8। ये पिच ब्लेंड का फॉर्मूला होता है U3O8। अब इनके द्वारा इस पिच ब्लेंड पर सर्च करना शुरू है क्योंकि इनका मानना था कि इसमें यूरेनियम ज्यादा है ना, और यूरेनियम ज्यादा होने के कारण ये इस पे सर्च करना शुरू कर दें। फिर भी इनको जो मतलब यूरेनियम का एक्टिविटी है, पावर एक्टिविटी का, प्लेट जो उनका था फोटोग्राफी प्लेट उससे ज्यादा प्रभावित होता था, उससे ज्यादा उस पर प्रकाश करना पड़ता था। बहुत सोचे, सोचने के बाद से उनको लगा कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट और है जो इसमें मौजूद है, क्योंकि और जो होता है वो कई इंप्योरिटीज को रखता है, तो इसमें इंप्योरिटीज के रूप में यानी कि इन पिच ब्लेंड में एज ए इंप्योरिटीज रेडियम एंड पोलोनियम आर प्रेजेंट। तब उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो इंप्योरिटीज के रूप में रेडियम और पोलोनियम प्रेजेंट है। तब उनके द्वारा ये दिमाग में आया कि अरे ये तो रेडियम का कहानी है, यानी कि रेडियम जो है द रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियम इज 30 lakh times मोर देन द रेडियो एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम। ये इन्होंने खोज ली। अब यहां पे रदरफोर्ड आते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड को जैसे ही ये बात पता चला तो उन्होंने इसको
मैग्नेटिक फील्ड लगाकर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर सर्च करना शुरू कर दिया। चूंकि रदरफोर्ड बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनको ये मिला, तो अब रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी पर इन्होंने कैसे किया, इन्होंने क्या किया कि एक लेड पॉट लिया, लेड पॉट माने शीशे का एक बर्तन लिया, इसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रख दिया। ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रख दिया, और सामने यहां पर इन्होंने एक प्लेट लगा दिया। ये प्लेट जो है फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट इन्होंने लगा दिया, और साथ में इन्होंने क्या किया कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया दोनों तरफ, यहां पे कैथोड हो गया और यहां पे एनोड हो गया। तो अब जब रे निकलती थी, मतलब इनको तो पता था कि अल्फा बीटा गामा किरण निकलेंगी, लेकिन रदरफोर्ड का बहुत बड़ा अपना एक था न्यूक्लियर, मतलब इंडस्ट्री था, तो इसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर इंडस्ट्री को बैठाए दिया और फिर खोज किया इसके। और ये इनके द्वारा यहां पे बताया गया कि जो किरणें सीधा जाता है वो अल्फा, जो यहां से ऐसे मुड़ जा रहे हैं, जो किरणें सीधे जा रहे हैं अल्फा रे हो गया, जो ऐसे जा रहे हैं चूंकि निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो अल्फा रे हो गया चूंकि पॉजिटिव होता है, और जो या पॉजिटिव की तरफ मुड़ गया ये बीटा हो गया। यानी ये बात यहां पे क्लियर हो गया कि अल्फा रे जो है वो पॉजिटिव है, अल्फा रे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि यहां पर लिख सकते हैं कि इसका जो चार्ज है अल्फा को हम लोग हीलियम से डिनोट कर सकते हैं, हीलियम 2-4, ठीक है, और इनका जो चार्ज है अल्फा का वो +2 होता है, या +2 और 4 हो गया, मास हो गया इसका, और इसका जो मास है वो 4 AME हो गया। बीटा का बात करें अगर हम, तो -1 0 लिखते हैं बीटा का, और इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन से -1 0 को, और बीटा का चार्ज जो हो गया ये -1, और इसका जो मास हो गया ये आपका 0 हो गया। मैं गामा का बात करूं अगर, तो गामा को 0 0 डिनोट करते हैं, यानी कि इसका जो चार्ज हो गया ये आपका 0, इसका जो मास हो गया वो 0 हो गया। तो ये अल्फा बीटा गामा रेज रदरफोर्ड के द्वारा इस तरह बताया गया। अब इनका डिफिनेशन क्या हो सकता है रेडियो एक्टिविटी का, तो बताया गया है कि ऐसे कोई सबस्टांस, द सबस्टांस विच प्रोड्यूस अल्फा बीटा गामा रे स्पॉन्टेनियसली एंड कंटिन्यूअसली, अल्फा बीटा गामा रे को स्पॉन्टेनियसली एंड कंटिन्यूअसली, जब तक ये खत्म ना हो जाए, स्पॉन्टेनियसली एंड कंटिन्यूअसली नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी, और इस फेनोमेनन का नाम रेडियो एक्टिविटी होता है। मैं एक चीज बता दूं कि अल्फा पार्टिकल्स जो है इसका जो अल्फा पार्टिकल्स का जो रे का जो वेलोसिटी है, माने जो गति है, ये लगभग 1/10, इनकी मैं वेलोसिटी बताऊं आप लोगों को, अगर ये 1/10 ऑफ सनलाइट, 1/10 ऑफ सनलाइट, सनलाइट के रे से 1/10 भाग इनका होता है, इनका होता है 9/10 ऑफ सनलाइट, और इनका होता है एज इज सनलाइट, इनका सूर्य के प्रकाश के बराबर होता है। ये अल्फा बीटा गामा का यहां से डिस्कवरी हो गया। मैंने इसलिए बताया कि अल्फा बीटा गामा रे भी होते हैं जो कि एटम से ही निकलते हैं, न्यूक्लियस से निकलते हैं, और ये अनस्टेबल एलिमेंट होगा तभी निकला, क्योंकि पार्टिकल्स की बात हो रही थी, तो ये थोड़ा सा जरूरी था आप लोगों को जानना। तो
अभी तक तो हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं इसमें सब पार्टिकल्स के रूप में। हम लोग रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के पहले बहुत कुछ एटम के बारे में सर्च कर चुका था। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा एटम के बारे में समझ लेते, चूंकि एटम समझेंगे तभी तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझेंगे, ठीक है। तो एटम को पहले समझते हैं कि एटम हमारा जो है वो एक स्फेरिकल शेप हम लोग मानते हैं और इसमें एक न्यूक्लियस भी होता है। हमारा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट मींस फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में रहते हैं। जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको ऑर्बिट कहते हैं और जहां ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये ऑर्बिट और ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये कंप्लीट एक एटम हो गया। आज हम लोग रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के पहले का टॉपिक जानेंगे। रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में इस टॉपिक को भी किया था, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो इनके द्वारा ये भी मतलब सर्च किया गया था कि डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, पहले लेते हैं एटम, डायमीटर ऑफ एन एटम दैट मीन्स उसको ऑर्बिट भी कह सकते हो, क्योंकि एटम का साइज ऑर्बिट की साइज होती है, ये होता है डायमीटर इसका 10^-8 सेंटीमीटर, 10^-10 मीटर, लगभग सभी एटम का ये होता है। अरे माइनस में है थोड़ा इधर उधर होगा तो क्या फर्क पड़ता है, मान लो इसमें 9 से गुना कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। 4 से गुना कर दे, 5 से गुना कर दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्ट इनका रेडियस हम लोग निकालेंगे आगे। और एग्जैक्ट रेडियस ऑफ एन एटम जो होता है 0.59 × 10^-8 सेंटीमीटर, यही होता है। तो डायरेक्ट ये लेते हैं, ये डाटा को यहां हटाते हैं, तो ये सर्च किया गया। फिर डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं अगर हम, तो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस ये कहता है 10^-13 सेंटीमीटर और 10^-15 मीटर होता है। तो कई रिलेशन बताया गया रदरफोर्ड के द्वारा, कई रिलेशन बताया गया। तो इसमें रिलेशन बिटवीन डायमीटर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, ठीक है, दोनों के बीच देखते हैं। तो चूंकि हम यहां पे मान लेते हैं लेट dA इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ एटम और dN इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, तो ये दोनों मान लिया हम। तो इसलिए dA by dN dA डायमीटर ऑफ एटम कितना है 10^-10 मीटर, ये कितना 10^-15 मीटर, सॉल्व कीजिए ऊपर जाएगा प्लस में जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, 10^5 बचेगा, ठीक है। यानी कि dA/dN इज इक्वल टू 10^5, दैट मीन्स ये 100,000 बोलते हैं इसको हम लोग, 10^5 को 100,000 बोलते हैं। इसलिए dA इज इक्वल टू 10^5 इंटू dN, यानी हम कह सकते हैं डायमीटर ऑफ एन एटम इज 100,000 टाइम्स मोर देन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस से 100,000 गुना बड़ा था किसका, एटम का डायमीटर, बहुत बड़ा सर्च माना जाएगा ये सब। यहां देखिए डायमीटर ऑफ एटम इज 100,000 टाइम्स मोर देन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। तो एटम का डायमीटर अगर आप देखोगे तो यह न्यूक्लियस डायमीटर से 100,000 गुना बड़ा होता है। यही नहीं, और भी हमारा रिलेशन इसमें है, अब वॉल्यूम में भी उन्होंने रिलेशन निकाला, यही नहीं, उन्होंने वॉल्यूम का भी रिलेशन निकाला सेकंड में,
सेकंड में रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर एटम एंड न्यूक्लियस। तो भी ये मान लेते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ एटम और Vn मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो इसलिए Va बाई Vn इज इक्वल टू क्या होता, 4 बाई 3 पाई आर ए क्यूब बट्टा 4 बाई 3 पाई आर एन क्यूब। 4 बाई 3 पाई कट जाएगा, मतलब कि इतना यहां से इतना यहां से ये कट जाएगा। तो फाइनली हमारा यहां पे क्या बच रहा है, आर ए का रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, चूंकि आर इक्वल टू डी बाई टू, तो इसलिए हम यहां ले सकते हैं कि डायमीटर कितना था एटम का, 10^-10 बाई 2 मीटर का होल क्यूब बट्टा 10^-15/2 मीटर का होल क्यूब इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 10^-30 बट्टा 2^3 इंटू मीटर क्यूब बट्टा 10^-45/2 इंटू मीटर क्यूब। चलिए इसको कटाते हैं, 2^3 कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा। फाइनली क्या आता है हमारा, ये ऊपर जाएगा 45, 10^-10^+15 यानी कि Va बट्टा Vn इज इक्वल टू इतना आ रहा है। इसको अगर हम और आगे बढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं Va बराबर 10^15 इंटू Vn, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज 10^15 टाइम्स मोर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में इसको लिखा भी है ना, मैं बताऊंगा आपको रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में इस वॉल्यूम लिखे इस पॉइंट्स को कि वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज 10^15 टाइम्स मोर देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। 10^15 की चर्चा नहीं किया, उन्होंने लिखा है कि द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, कंप्लीटली नगण्य है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम के वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है इसलिए ये नेग्लिजिबल में है, इन्होंने इसकी चर्चा भी किया है। रदरफोर्ड ने एक और चीज बहुत बेहतरीन बताया है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं, वो है न्यूक्लियस थर्ड नंबर में यहां पे कैलकुलेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो इन्होंने न्यूक्लियस के रेडियस को भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया। क्या कहा इन्होंने, कहा कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ मास, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर ऑफ दैट एटम, उस एटम के मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ए, ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ए, यानी कि आर इज इक्वल टू चिन्ह बताएंगे तो आर नॉट इंटू क्यूब रूट ए। क्लियर हुई बात है। अब यहां पे मैं बताऊं आपको कि R इज इक्वल टू न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ
न्यूक्लियस आर नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है और इस आर नॉट का वैल्यू जो होगा ये 1.33 इंटू 10^-13 सेंटीमीटर, और ए जो है ये आपका मास नंबर है, मास नंबर यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ऐड कर देते हैं, मास नंबर लिखा जाता है। तो इस पे हम लोग चाहे तो क्वेश्चन बना भी सकते हैं, कई क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो कि हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, एल्यूमिनियम का हमें निकालना है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ यानी कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम को कर रहे हैं, तो r इज इक्वल टू 1.33 × 10^-13 सेंटीमीटर क्यूब रूट, एक एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है 27, 1.33 × 10^-13 इंटू इसका क्यूब रूट निकालें कितना आएगा, 3 आएगा है ना, यहां पे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 तीन बार करेंगे तो एक निकलेगा इसमें से, तो ये आपका जो है इसका 3 आ जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे एल्यूमिनियम का निकल जाएगा। तो जिसका भी निकालना हो आप यहां से क्यूब रूट निकाल कर और उसका 1.33 में गुना कर लोगे तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल लोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का ये भी कुछ कैलकुलेशन था जो मैंने आपको बताया, इसका यूज है उनके ये मॉडल में। ओके, दैट्स ऑल।